एक बार की बात है, केरल के एक छोटे से शहर में सुल्तान नामक एक डरावना कब्रिस्तान था। ऐसा कहा जाता था कि उस कब्रिस्तान में विभिन्न प्रकार के अलौकिक शक्तियां रहती थी। एक चांदनी रात को बिली, लुसी और रोहित तीन दोस्त कब्रिस्तान के किनारे पर एकत्रित हुए। अचानक उनको कब्रिस्तान से भयानक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए वे हाथ में टॉर्च लेकर सावधानी से कब्रिस्तान के गेट से अंदर घुसे। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा तेज चलने लगी। अचानक उन्होंने एक इंसान को एक मकबरे के पास टहलते हुए देखा। वो उदास और खोया हुआ दिखाई दिया, इसलिए बिली, लुसी और रोहित उसके पास आए और पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा नाम अकबर है। अकबर ने उन्हें उस भयानक अभिशाप के बारे में बताया जो इस कब्रिस्तान के सभी आत्माओं को परेशान करता था। हर रात एक प्राचीन चुड़ैल जागती थी और कब्रिस्तान पर जादू करती थी और अकबर जैसी मासूम आत्माओं को अपने वश में कर लेती थी। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका कब्रिस्तान के पीछे जंगल में एक पेड़ के नीचे छिपी हुई मंत्र पुस्तिका को ढूंढना और आधी रात से पहले उसे नष्ट करना था। जादुई पुस्तक ढूंढने की दृढ़ संकल्प लेकर बहादुर तिकड़ी अपने मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने अंधेरे में मकबरों के बीच रास्ता खोजा जंगल में जाने के लिए और इस बात का ध्यान रखा कि आराम करने वाली आत्माओं को परेशान न किया जाए। रास्ते में उन्हें बोन्स नामक एक शरारती छोटे कंकाल का सामना करना पड़ा जो उन्हें जादू की किताब खोजने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो कंकाल उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के पास ले गई और कहा, इस पेड़ के पत्ते सब अपने पास रख लो। अगर ये पत्ता तुम्हारे पास रहेगा तो वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये पत्ता तुम्हें जादुई किताब हासिल करने में मदद करेगा। ये कहकर वह कंकाल वापस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। आम के पत्ते को अपने हाथ में लेकर तीन दोस्त जादुई किताब ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के पश्चात जंगल में एक झील के अंदर उन्हें चमकता हुआ कुछ दिखाई दिया। रोहित को तैरना आता था तो उसने झील के अंदर जाकर वह चमकता बॉक्स ले आया। जैसे ही आम के पत्ते को बॉक्स के ऊपर रखा वैसे ही बॉक्स खुल गया और चमकती जादुई किताब बाहर निकल आई। आधी रात करीब आते ही वे तीनों अपने हाथों में जादू की किताब लेकर श्राप को तोड़ने के लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े। कब्रिस्तान में आकर वे किताब को खोले और एक प्राचीन मंत्र का पाठ किया। मंत्र पाठ करते ही जमीन कांपने लगी और कब्रिस्तान में एक तेज रोशनी छा गई। वह चुनर जाग गई और गुस्से में दिखाई दी, लेकिन उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। उसने बिली, लुसी और रोहित को जादुई किताब पढ़ने से रोकने के लिए अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उन तीनों पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों के पास आम के पत्ते थे जो उनकी रक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे चुड़ैल की सारी शक्ति खत्म हो गई और चुड़ैल भस्म हो गई। इस तरह बिली, लुसी और रोहित ने कब्रिस्तान में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई।